दोस्तों ओप्पो एफ नाइन प्रो को मैं 2-3 दिन से यूज कर रहा हूँ और दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग ओप्पो एफ नाइन प्रो के कॉन्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ओप्पो एफ नाइन प्रो का पहला कौन सा कि इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं दिया गया है। और दोस्तों आज के समय में 24,000 रुपये के प्राइस पॉइंट पे अगर हम लोग कोई फ़ोन खरीदते हैं तो इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट होना ही चाहिए। दोस्तों ओप्पो एफ नाइन प्रो का दूसरा कौन सा कि ना तो इसमें EIS का सपोर्ट दिया गया है ना ही OIS का सपोर्ट दिया गया है। और दोस्तों ये फीचर्स ऐसे हैं जो कि हम लोग को 12,000 से 14,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट के फ़ोन में भी देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों ओप्पो एफ नाइन प्रो का तीसरा कौन सा कि इसमें पॉलीकार्बोनेट का बॉडी दिया गया है। दोस्तों अगर हम लोग 24,000 रुपये के प्राइस पॉइंट में कोई फ़ोन खरीदते हैं तो उसमें एटलीस्ट मेटल यूनिबॉडी तो होना ही चाहिए, लेकिन फिर भी दोस्तों ओप्पो एफ नाइन प्रो का डिज़ाइन बहुत ही बेहतर है। अब ऐसे में दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन कौन को जानने के बाद भी ओप्पो एफ नाइन प्रो को आप खरीदना पसंद करेंगे या नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए इस वीडियो को और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।